सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्रीन टीवी के नवरात्र विशेष में, जिसमें आज हम बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री की। बताएंगे आपको माँ सिद्धिदात्री की महिमा के बारे में, नौवें दिन कैसे करें आप नवमी पूजन ये भी बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि राम और माँ दुर्गा की पूजा क्यों होती है इस दिन साथ साथ। सब कुछ बताने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की महिमा के बारे में। और सबसे पहला सवाल यही कि माँ के स्वरूप को क्यों कहा जाता है सिद्धिदात्री। पंडित जी रोजाना की तरह फिर मेरा सवाल आज का वही है कि नौवें स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री क्यों पड़ा। माता जो आठ सिद्धियाँ होती हैं उन अष्ट सिद्धियों को देने की देवी है, अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी है, और जो आठों सिद्धियों को देने वाली हैं उन्हीं माँ को सिद्धिदात्री कहा गया। सिद्धि मतलब सिद्धि और दात्री मतलब देने वाली, जो सिद्धियों को देने वाली हैं वो कौन है, वो माता सिद्धिदात्री हैं, और ये नवरात्र में नौवें दिन की देवी हैं माता सिद्धिदात्री। जी नौवें दिन की देवी हैं माँ सिद्धिदात्री। ज़रूर भक्त जानना चाहेंगे कि माँ का स्वरूप कैसा होता है। देखिए माँ के स्वरूप के विषय में कहूँ, हमारा शास्त्र कहता है सिद्ध गंधर्व यक्षा दये सुरैरे मररेरपि सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। यह माता को सिद्ध करने, प्रसन्न करने का, उनसे सिद्धि प्राप्त करने का ये मंत्र है। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति है माता सिद्धिदात्री, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माता सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली हैं, इनका वाहन सिंह है, ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं, इनकी दाहिनी तरफ से नीचे वाले हाथ में चक्र विराजमान है, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हो रहा है। नवरात्र पूजन के नवें दिन इनकी उपासना का आप करें, निश्चित रूप से माता सिद्धिदात्री के कृपा पात्र बनेंगे। पंडित जी जैसा कि माँ के नाम से ही ज्ञात होता है कि सिद्धिदात्री, तो माँ किन किन सिद्धियों को देने वाली हैं, किन किन सिद्धियों की प्राप्ति होती है माँ की उपासना से। देखिए माता सिद्धिदात्री वैसे तो सब प्रकार की सिद्धियों को दे सकती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख सिद्धियां जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व और वशित्व, ये तमाम चीज जो होती हैं, ये तमाम सिद्धियां हैं वो माँ की कृपा से प्राप्त होती हैं। जैसे ये सिद्धियों का प्रयोग क्या है, जैसे अणिमा या लघिमा, ईशत्व और वशित्व, इनके बारे में जैसे लघिमा, लघिमा उस प्रकार की सिद्धि है जिस भी व्यक्ति के पास यदि लघिमा सिद्धि हो तो वह लघु रूप धारण कर सकता है, लघु से लघु रूप मतलब सूक्ष्म रूप भी धारण कर सकता है, ईशत्व मतलब ईश्वरीय शक्तियों से समावेशित हो जाता है यदि ईशत्व शक्ति मिल जाए, वशित्व मतलब संसार की सभी चीज़ों को जो अपने वश में करने में सामर्थ्यवान हो, ऐसी शक्ति किसकी है, वशित्व सिद्धि प्राप्त वाले की, यह वशित्व सिद्धि का गुण है। इस तरह से जितनी भी सिद्धियां हैं ये तमाम किसी न किसी शक्ति को देने वाली होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या सिद्धियों की 18 बताई गई है, उसके नाम आप जान, आठ तो आप जानते हैं, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, महिमा, ईश्वत्व और वशित्व। उसके बाद है सर्व काम वशयिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, पर काया प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार गण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वनायकत्व, भावना और सिद्धि। ये जिस प्रकार से सिद्धियों का जैसा नाम है उस तरह से उसका गुण है। जैसे पर काया प्रवेश, यह एक तरह की साधना है, योग साधना है, और देवी की कृपा से ये इस योग साधना की सिद्धि होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करके मतलब अपनी आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करा सकता है, इसी को पर काया प्रवेशन कहा जाता है। ये माता सिद्धिदात्री की कृपा से आसानी से प्राप्त है, और अभी कुछ 150 वर्ष पूर्व तक हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे साधक रहे जिन्होंने इन सिद्धियों को प्राप्त किया, वो सिद्धिदात्री की कृपा से हो या अन्य शक्तियों की साधना से उन्होंने इन सिद्धियों को प्राप्त किया, इसके प्रमाण हमारे शास्त्र में भी मौजूद हैं और कुछ किंवदंतियाँ भी भारत में प्रचलित हैं इस तरह की। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी
सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण से भगवान शिव का एक स्वरूप अर्धनारीश्वर का भी है, मतलब आधा नर आधा नारी। माँ सिद्धात्री चूँकि चार भुजाओं वाली हैं और जो मैंने अभी आपको बताया कि चारों भुजाओं से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। जी, तो फिलहाल यहाँ कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि नवमी के दिन कैसे करें माँ सिद्धिदात्री की उपासना, उपासना के क्या नियम होते हैं, तमाम बातें आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि माँ की उपासना से भक्तों को किस फल की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि रामनवमी इसे कहा जाता है तो रामनवमी पर राम की पूजा आप कैसे कर सकते हैं, तमाम बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका हमारे नवरात्र विशेष में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं रामनवमी की, साथ ही बता रहे हैं आपको माँ सिद्धिदात्री की महिमा भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की उपासना आपको नौवें दिन कैसे करनी है। पंडित जी, माँ सिद्धिदात्री की उपासना क्या कोई विशेष विधि होती है, क्योंकि नौवां दिन नवरात्र का होता है, अंतिम दिन इसे कहा जा सकता है, किस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करनी चाहिए भक्तों को और क्या उनकी पूजा से फल प्राप्त होता है भक्तों को, वो भी बताएं। देखिए, जो यह अनुष्ठान पिछले 8 दिनों से चला आ रहा था, ये नवमी के दिन पूर्ण होता है। नवमी के दिन नवरात्र का समापन होता है। तो जब आप कोई काम करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसका फल मिलता है। फल किस रूप में मिलता है, कौन देता है? फल देने वाला जो होता है वही सिद्धि देने वाला होता है। मतलब आपके 8 दिन की तपस्या कब मिलेगी? सिद्धिदात्री के द्वारा, क्योंकि सिद्धिदात्री ही सिद्धि दे सकती है। इसलिए 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के पूजन का विधान है। उनकी पूजा पूर्ण निष्ठा के साथ सभी भक्तों को करनी चाहिए। वैसे तो जिस तरह से आपने पिछले 8 दिनों से दुर्गा की उपासना की है, जिस विधि विधान से उनकी पूजा की है, उसी विधि विधान से इन सिद्धिदात्री देवी की भी पूजा होगी। जो आपने पहले दिन से कलश की स्थापना कर रखी, उसी कलश में भी सिद्धात्री का भी वास है, उसी कलश पे माता सिद्धात्री की पूजा होगी। सिर्फ अंतर क्या है, ओम सिद्धिदात्री नमः इस मंत्र का जप करना है, एक माला। इसके अलावा अतिरिक्त और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नवमी के दिन हवन होती है, तो नवमी के दिन अपने पूजनोपरांत आपको हवन करने की आवश्यकता है। हवन विधि विधान से करिए और अग्नि का आवाहन करिए। उसके साथ साथ आप आंवला, जौ, गेहूं, गुड़, ये जो तमाम हवन की सामग्री है, इसे आप जुटा लीजिए और सब घी के साथ मिला करके, काले तिल से मिला करके, चावल के साथ, इन समस्त चीज़ों से आप आहुति दीजिए। निश्चित रूप से आहुति के पश्चात ही सिद्धिदात्री की कृपा होती है और पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पूरे 9 दिन के जो आपने अनुष्ठान किया है, उसका पूर्ण फल यदि चाहिए तो नवरात्र के 9वें दिन सिद्धात्री की पूजन की वेला पर हवन आवश्यक हो जाता है। जैसे कि आप आंवले की हवन करते हैं तो आपको बल मिलता है। आप यदि मान लीजिए पालक से हवन करते हैं तो ये शाकंभरी देवी का हवन होता है, जिससे आपके जीवन में अन्न भंडार आपके भरे रहेंगे, अन्न की कमी नहीं होती है। अनार से हवन करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रोग से मुक्ति मिलती है। इन तमाम चीज़ों की जो एक हमारे शास्त्रों में व्यवस्था की गई है, इन सामग्रियों से आप हवन करें और सिद्धात्री की पूर्ण कृपा के पात्र बने। ये विशेष मतलब सिद्धात्री के पूजन का नियम है, इसे अवश्य पालन करना चाहिए। और हवन के बाद आप पूर्णाहुति भी वहाँ पे माता सिद्धात्री के नाम से समर्पित कर दें, क्योंकि पूर्णाहुति ग्रहण करने वाली जो पूर्णा देवी होती हैं, कहीं ना कहीं सिद्धात्री की स्वरूपा हैं और सिद्धात्री के ही श्री चरणों में पूर्णाहुति भी समर्पित करनी चाहिए। इस तरह से आप अपने अनुष्ठान की पूर्ति भी करेंगे और जो आपने 9 दिन से आपने यज्ञ करते चले आए हैं, 9 दिन से जो आपने मेहनत की है, श्रम किया है, भक्ति भाव से माता का व्रत पूजन किया है, उन समस्त का फल एक साथ नवमी के दिन माता सिद्धात्री की कृपा से मिल जाएगी। पंडित जी, एक जो सवाल मेरे मन में है कि हम अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, जो हम कल के कार्यक्रम में चर्चा कर भी चुके हैं, लेकिन नवमी के दिन हम खासकर कन्या पूजन करते हैं, 9 कन्याएं बिठाते हैं, हम 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, लेकिन उनके साथ में 2 लड़कों को भी बिठाते हैं, 2 या 1 लड़का बिठाते हैं, कुछ कुछ जगहों पर उसे लांगुरा कहा जाता है कि उनको भी भोजन कराना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम कन्या खिलाते हैं तो कन्या खिलाने के साथ साथ एक 10 वर्ष तक के आयु के बालक को भी भोजन कराया जाता है।
उसका नियम है, मैं बता दूं क्यों खिलाया जाता है। देखिए शास्त्र क्या कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 2 वर्ष के ऊपर लेके 11 वर्ष तक आयु के जो बच्चे होते हैं इन्हें बटुक कहा जाता है। बटुक मतलब पढ़ने वाला बच्चा। बटुक के बाद जो है फिर आती है विप्र की श्रेणी, मतलब वो विप्र मतलब ज्ञान की तरफ बढ़ता है, फिर द्विज और फिर उसके आगे की श्रेणी होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए जब जितनी देवियाँ हैं, जितनी देवियों हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ भैरव होते हैं और उन भैरों की संख्या निर्धारित है। जैसे एक भैरव का नाम मार्तंड भैरव है, काल भैरव है, बटुक भैरव है, इस तरह के कुल 49 भैरव हैं जिसे हमारे यज्ञ में क्षेत्रपाल के रूप में स्थापित किया जाता है, यज्ञ के रक्षक के रूप में। ठीक है, तो जिस तरह से जब देवियों की पूजा होती है तो हर देवी के अपने अपने भैरव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम नव दुर्गा के रूप में कन्याओं को खिलाते हैं तो दुर्गा के यज्ञ के जो रक्षक होते हैं वो भैरव होते हैं। तो कहीं ना कहीं भैरव के रूप में उस बालक को हम पूजते हैं और उसे भी वहाँ पे हम कन्याओं के साथ जो भी हम चीज़ें कन्याओं को खिलाते हैं सेम व्यवहार हम उस भैरव के स्वरूपी बालक के साथ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं और उसको भोजन भी कराते हैं। कहीं ना कहीं ये भैरव का प्रतिनिधित्व करता है वो बालक जो कन्याओं के साथ बैठ करके वहाँ पे भोजन ग्रहण करता है क्योंकि वो रक्षक होता है। जी, एक तो ये कि आजकल जो होता है मुख्यतः हमें देना चाहिए जो कन्याओं को हम पूजन के दौरान भोज कराते हैं वो ये होता है कि हलवा और चना ही देना चाहिए। कहा जाता है कि उन्हें मिर्च का नहीं देना चाहिए कोई भी भोजन, लेकिन आजकल के चलन में देखा जाता है कि सब्जी भी दी जाती है, क्या ये सही है देना? देखिए मैं तो इन सब बातों से किसी की इत्तेफाक नहीं रखता, सीधी सी मेरी एक बात मैं समझता हूँ कि जो आपको प्रिय हो, जो आप खाते पीते हैं और जो बच्चा आपका सामने वाला देवी स्वरूप में जो कन्या बैठी है वह जो प्रेम से खा सके बिना किसी तकलीफ के, जो उसको पसंद हो आप उसको वो खिलाओ, चाहे वो नमक का हो चाहे वो मीठा हो, कोई भी चीज़। अगर वो कह रहे कि नहीं मैं आज के दिन फ्रूटी पीऊँगी तो फ्रूटी ही पिलाओ भैया उसको, क्योंकि दुर्गा को प्रसन्न करना मेन उद्देश्य है। यह नहीं कि आपने जो उसको मन किया खिला दिया, उसको पसंद आए नहीं आए जबरदस्ती खिला रहे, ये जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि भाव ही विद्यते देवा, भाव से ही देवता प्रसन्न होता है और भाव में ही देवताओं का निवास स्थान होता है। इसलिए ऐसी कोई बाध्यता मत करिए, कोई मजबूरी मत बना दीजिए कि भैया हलवा खाओ चना खाओ, ना आपको जो उस बच्चे को पसंद है, जो उस कन्या को पसंद है आप वो उसको खिलाओ। जी, तो पंडित जी ने आपको बताया कि किस प्रकार आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए, क्या उन्हें आप भोजन में खिला सकते हैं और क्यों लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी कन्या पूजन में शामिल किया जाता है, सब कुछ पंडित जी ने आपको बताया। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको राम की महिमा। नवमी के दिन भगवान श्री राम की पूजा भी की जाती है, चैत्र के नवरात्रों में क्यों की जाती है पूजा, ये सब कुछ हम आपको पहले अध्याय में बता चुके हैं, लेकिन राम की महिमा आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नवरात्र विशेष में, जिसमें आज हमने आपको बताई माँ सिद्धिदात्री की महिमा, लेकिन अब हम आपको बताएंगे क्योंकि राम नवमी है तो राम की महिमा भी बनती है। कहते हैं कि राम का नाम कोई दिल वाला ही जपेगा, तो राम की क्या महिमा है, क्यों राम शब्द को इतना खास माना गया है, क्यों इसके सामने श्री लगाते हैं, राम को पुराणों में शास्त्रों में क्या महत्व दिया गया है, चलिए जान लेते हैं इस नाम की महिमा क्या है, क्यों राम शब्द को इतना खास माना जाता है। पंडित जी, राम शब्द बहुत खास माना जाता है, कहते हैं ये शब्द अगर पत्थर पे लिख दो तो पत्थर भी तैरते थे उस युग में, तो राम की महिमा आप बताएं। जी बिल्कुल, भगवान श्री राम के जन्म के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। अभिजित मुहूर्त कब होता है, मध्य दोपहर काल में 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक, यह अभिजित मुहूर्त की वेला नित्य की होती है। न बहुत सर्दी थी न बहुत धूप थी, मतलब बसंत जैसा महीना था, मौसम था, वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। ऐसे समय में आने वाले यह
पर्व आज भी लोगों को हर्षित करता रहता है। यह राम नाम में अखिल सृष्टि समाई हुई है। वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण बनाई, तो 100 करोड़ श्लोकों की रामायण को भगवान शंकर के आगे रख दिया, जो सदैव राम नाम जपते रहते थे। भगवान शिव समाधि में रहते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? जब शिव समाधिस्थ होते हैं तो सदैव राम का जप करते हैं, राम का नाम लेते हैं। भगवान शिव ने उनका उपदेश पार्वती जी को दे दिया। शंकर ने रामायण के 3 भाग कर दिए और उसे त्रिलोक में बांट दिया। 3 लोकों में 33-33 करोड़ दिए तो 1 करोड़ बच गया। उसके भी 3 टुकड़े किए तो 1 लाख बचा। उसके भी 3 टुकड़े जब कर दिए शिव ने तो 1000 बच गया। और उस 1000 के भी 3 भाग किए तो 100 बचा। और उसके भी 3 किए तो कितना बचा? 1 श्लोक बच गया। इस प्रकार 1 करोड़ श्लोकों वाली रामायण के 3 भाग करते करते 1 अनुष्टुप श्लोक बचा रह गया। और 1 अनुष्टुप छंद के श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, उसमें 10-10 करके 3 को दे दिए तो अंत में 2 ही अक्षर बचे। और वो 2 अक्षर भगवान शंकर ने रा और म अपने पास रखे। बोला ये 2 अक्षर तो मैं रखूंगा, मेरे हैं। राम अक्षर में ही पूरी रामायण है। अर्थात जो पूरा रामायण नहीं पढ़ सकते, जो पूरा रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते, वो सिर्फ राम का नाम लें, उन्हें रामचरितमानस पढ़ने का, वाल्मीकि रामायण पढ़ने का समस्त फल प्राप्त हो जाता है। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इनमें जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वह राम नाम से ही आती है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि होती है। भगवान के नाम और रूप दोनों ही अनिवर्चनीय हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अनादि हैं, सुंदर हैं, अशुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इसका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। मतलब अगर जानना है तो अपना चित्त शुद्ध करिए, चित्त की वृत्ति का निरोध करिए, रोकिए मन को। राम नाम लोक और परलोक में निर्वाह करने वाला होता है। मतलब इस लोक में तो आपके काम आएगा आएगा, मृत्यु के उपरांत जब यह शरीर छोड़ के आत्मा दूसरे लोक में जाएगी, वहाँ भी यदि कुछ साथ रहेगा तो राम का नाम ही साथ रहेगा। लोक में यह देने वाला चिंतामणि और परलोक में भगवत दर्शन कराने वाला है राम का नाम। जैसे कि वृक्ष में जो शक्ति है वह बीज से आती है, बीज से ही बड़ा वृक्ष बनता है। इसी प्रकार अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ये जो शक्ति कहीं से प्राप्त करते हैं, जो संसार में शक्ति प्रदान करते हैं, वह राम नाम से आती है। राम नाम अविनाशी है और अविनाशी और व्यापक होने से यह सर्वत्र परिपूर्ण है। सत, चेतन और आनंद राशि है भगवान राम का नाम। उस आनंद रूप परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र कौन है? राम है। कोई समय खाली नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान सब जगह सब समय काल वेला में राम उपस्थित रहते हैं, राम का नाम उपस्थित रहते हैं। ऐसी कोई खाली जगह नहीं है जहां राम न होते हों। कोई प्रकृति ऐसी नहीं है जो राम से खाली हो। राम का नाम अविनाशी है, यह निर्गुण है। वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं, समय का परिवर्तन हो जाता है, देश बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन यह सत तत्व ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे त्रेता में था वैसे कलयुग में भी है, इसका विनाश नहीं हो सकता है। इसलिए सत नाम लेना चाहिए। राम नाम कैसे लें वो बता देता हूँ। परमात्मा ने अपनी पूरी पूरी शक्ति राम नाम में डाल रखी है, दे रखी है। नाम जप के लिए कोई स्थान पात्र विधि की जरूरत नहीं है। रात दिन राम नाम का जप करो, निषिद्ध पाप आचरणों को स्वतः से आपके मन में ग्लानि हो जाएगी, आपको घृणा हो जाएगी पाप से, आपका मन शुद्ध हो जाएगी। अभी यदि मान लीजिए आपका अंतःकरण मैला है इसलिए मलिनता अच्छी लगती है, आपका मन लोभ में लालच में माया में संसार में अधिक लगता है, लेकिन जैसे जैसे राम के नाम के प्रभाव से मन शुद्ध होने लगेगा तो मैली वस्तुओं की आकांक्षाएँ नहीं रह जाएंगी। जीव से राम राम कह के जीवा को शुद्ध करो, मन की परवाह मत करो। ऐसा मत सोचो कि मन नहीं लग रहा है, मन लगेगा। आप निरंतर जप करते जाइए, ऐसे जैसे आग के बिना मन को छुएंगे तो वह भी जलाएगी,
ऐसे ही भगवान का नाम किसी तरह से लिया जाए अंतर्मन को निर्मल करेगा ही करेगा। अभी मन नहीं लग रहा तो परवाह न करो, क्योंकि आपकी नियत तो मन लगाने की है तो मन लग ही जाएगा। भगवान हृदय की बात देखते हैं, आपके हृदय की भावना को देखते हैं। यह मन लगना चाहता है लेकिन मन नहीं लगा, इसलिए मन नहीं लगे तो घबराएं मत, जब करते जाएं। और खास करके यह रामनवमी की बेला तो अत्यंत उपयुक्त बेला है अपने मन को नियंत्रित करने का, अपने मन में आनंद और शांति को प्राप्त करने का। राम के नाम का जप करिए। राम नाम जप करने से यह अचेतन मन में बस जाता है और उसके बाद आप अपने आप ही राम 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 कहने लगते हैं, जप करने लगते हैं, आपका रोम रोम राम नाम का उच्चारण करने लगता है। चित्त इतना खिंचाता है कि छुड़ाए से नहीं छूटता भगवान के नाम से, तो समुद्र में पत्थर तैर गए तो व्यक्ति का उद्धार होना कौन सी बड़ी बात है। राम रामे ति रामे ति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नामम वरानने। जय श्री राम। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत सी ऐसी बातों का पता चला होगा जो शायद आप अब से पहले नहीं जानते होंगे। पुराण क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, नौ रूपों के बारे में, माँ के नौ रूपों के बारे में, श्री राम के बारे में, वो सब कुछ पंडित जी ने आपको बता दिया है। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़कर दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में जो एक खास बात पता चली वो ये कि 9 दिन के कार्यक्रमों में आपने ये जाना कि माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। आज भी कलयुग में भी माँ का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। उसी तरह राम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका कोई पर्यायवाची नहीं हो सकता। तो राम का नाम सदा याद रखिए, माँ दुर्गा को कभी मत भूलिए। इसी कामना के साथ फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। जय माता दी।